अल्लाह का बहुत करम है, मैं पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल जॉब। जी तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिश्वा मोहसिन और ये जोकी हैं, और इनका ये कॉस्ट्यूम है जो जोकी का इन्होंने पहना हुआ है। तो आज ये रेस क्लब में मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। रिश्वा ये बताइएगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट डर्बी रेस हो रहा है। हाँ जी ठीक है। तो आगे परसों जो है इंटरनेशनल वीमन डे भी है। हाँ जी ठीक है। तो कोई खातून नहीं है इस रेस में, क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? बस क्या कह सकते हैं, मैं ही हूँ, क्योंकि पहले मैंने देखा कि यहाँ पे सारे राइडिंग करते हैं, तो फिर मैंने कहा कि मुझे भी बिल्कुल इनकी तरह राइडिंग करनी है। तो आपने कब से ये राइडिंग शुरू की और कहाँ से इसकी ट्रेनिंग ली, और कोई रेस वगैरह जो जीते हैं वो कौन सी रेस थी, किस समय जीती थी? मैंने 1.5 ईयर ट्रेनिंग ली है यहीं से, लाहौर के रेस क्लब के राइडिंग स्कूल से, और मैं एक रेस जीती भी हूँ मैजिकल सिटी पे। तो अब आप कौन से देख रही हैं, यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा कि कभी कौन सा घोड़ा आपको लगता है कि जीतेगा, बड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं लोगों को? मुझे तो पनूर पसंद है, पनूर और सिल्वर फास्ट, इन दोनों में थोड़ा कंपटीशन है। काफ़ी लोग सिल्वर की बड़ी बात कर रहे हैं कि सिल्वर जीते हैं, क्या खूबी है उसको? जो पनूर है वो 1000 गिनी भी जीती हुई है, और जो सिल्वर फास्ट है वो डर्बी ट्रायल जीती हुई है, तो इन दोनों में ज़्यादा कॉम्पिटिशन नज़र आ रहा है। आप ये बताएंगे इस वक्त रेस क्लब में खवातीन जॉकी कितनी है? सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ आप ही रेसिंग है। तो आप जो दूसरी खवातीन, क्या उन्हें मोटिवेट करती हैं कि आना चाहिए, और किस तरह आना चाहिए, क्या करें? मतलब लड़कियां पाकिस्तान में पोलो भी खेलती हैं और टेंट पैकिंग भी करती हैं, पर रेसिंग में तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो जो जिसको चीज़ पसंद है वो उसी पाथ पे जाता है। क्या ये कहना दुरुस्त है कि आप लाहौर की या पाकिस्तान की पहली वीमन जॉकी हैं? हाँ जी, अल्लाह का बहुत करम है, मैं पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल जॉकी हूँ। थैंक यू वेरी मच।